पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समझ में आया कि नहीं ये बताइए। पियाजे के सिद्धांत समझ में आया? पियाजे के बाल विकास की अवस्था, उसमें मैंने क्या बताया था, कितनी अवस्था, कौन कौन सी अवस्था बताई थी मैंने? ये अवस्था आपका कितने से होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है और इसके बीच 6 भाग होते हैं। मैंने इसके बारे में भी बताया था आपको। पहला आपका क्या होता है? सरल, क्या जीन पियाजे का। मैंने इससे पहले बताया था कि जीन पियाजे ने मानसिक विकास अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है और उसमें जो है आपका संवेदी पेशी अवस्था सबसे पहली अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। उसमें भी इन्होंने बताया, जीन पियाजे ने, सरल क्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। एक शब्द है वृत्ति, तीसरा है आपका गौण वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, चौथा है आपका स्किमिटा क्रियाओं की अवस्था, पांचवा है आपका तृतीय वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, और छठा है आपका मानसिक संयोग नई खोज की अवस्था। है ना, जीन पियाजे ने अपनी संवेदी पेशी अवस्थाओं को 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला आपका है सरल क्रियाओं की अवस्था, ये जो आपका 30 डेज का होता है, 0 से लेके 30 दिन का होता है। इसमें बालक क्या करता है, अपनी संवेगों का प्रदर्शन करता है, उसे भूख लगती है तो रोता है और जागता है, हंसता खेलता है, वो जो है सरल क्रियाएँ करता है, है ना। सरल क्रियाओं में उसका क्या हो गया, उठना जागना हंसना रोना, ये सारी क्रियाएँ जो एक स्वतः बालक करता है, वो सारी क्रियाएं क्या होती हैं, सरल क्रियाएं होती हैं। आपके दैनिक जीवन भी आप बहुत सी सारी सरल क्रियाएं करते हैं, उनमें क्या आता है, चलना बोलना भोजन ग्रहण करना, ये सारी क्या क्रियाएं हैं, सरल क्रियाएं। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, ऐसे आप लोग भी जानते हैं, एक क्या होती है जटिल क्रियाएँ होती हैं और दूसरी सरल क्रियाएँ। जटिल क्रियाओं में आपका क्या आता है, किसी समस्या को, किसी कठिन कार्य को करने
वाली जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जटिल क्रियाएं होती हैं। जटिल क्रियाओं में जैसे किसी चीज़ का समस्या, किसी समस्या का हमें समाधान ढूंढना हुआ तो आप क्या करेंगे, उसके विषय में गहन अध्ययन करेंगे, गहन चिंतन करेंगे, इसके बाद आप जो है उसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में सोचेंगे। वो जो आपका चिंतन हुआ वो क्या हो गई? आपकी जटिल क्रिया हो गई। मानसिक जो चिंतन भी, वो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक सरल चिंतन होते हैं और दूसरा जटिल चिंतन, है ना। सरल चिंतन में क्या हो गया, आप जो सरलता से सोच रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मतलब मानव मनुष्य गतिमान है, तो ये चिंतन क्या है, ये सरल चिंतन है। अभी आप देखेंगे कि आगे के स्टेजों में जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता रहेगा उसका चिंतन क्या होगा, वो परिपक्व होता जाएगा और उसकी जो है चिंतन क्षमता क्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जैसे कि आपने देखा सरल क्रियाएं क्या हो गई, जो आप सरलता से जिन क्रियाओं को करते हैं, जिन्हें बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक शक्ति नहीं लगती, वो सारी क्रियाएं आपकी क्या होती है, सरल क्रियाएं। सरल क्रियाओं में आपका क्या हो गया, हंसना, चलना, खाना, भोजन लेना, ये सारी क्रियाएं दैनिक क्रियाएं जो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगमता से आप लोग करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, सरल क्रियाएं। उसी प्रकार छोटा बालक जो है जब 30 दिन के अंदर जो क्रियाएं करता है, 30 days इनवर्ड, तो उसमें जो क्रियाएं उसकी आती हैं, क्रियाओं में उसके क्या सम्मिलित हैं बताइए? अरे रोना, भोजन लेना, फिर इसके बाद अपनी माँ को उसके स्पर्श को पहचानना, ये सारे 30 days में बालक क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है, क्रिया करने लगता है। क्रिया मतलब अनुक्रिया करने लगता है, इसमें क्रिया मतलब वो उसका स्वयं कोई कार्य नहीं, अनुक्रिया मतलब क्या, रिस्पॉन्ड देने लगता है। अनुक्रिया कैसे करता है बालक, अपने जो है पेशियों का यूज करके, संवेदनाओं का यूज करके वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया में वो बताता है या वो शो करता है, दर्शाता है कि हाँ हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है। भूख लगती है तो बालक रोने लगता है, 15 दिन के बाद वो बहुत सारी क्रियाएं, अनुक्रियाएं करने लगता है। क्रियाओं से मेरा आशय जो है, क्रिया जो आप करते वो नहीं, क्रिया से आशय है मेरा अनुक्रिया से कि वो जब कोई उद्दीपन या जैसे भूख लगना है उसका क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, जब उसको भूख लगती है उसके लिए वो रोता है तो वो उसकी क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई या क्रिया हो गया। तो वो ये अनुक्रिया करके बताता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, और जब माँ उसे दूध देती है तो उसे क्या हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है, वो चुप हो जाता है या फिर उसके संतुष्टि की पूर्ति हो जाती है, यानी उसका भूख मिट जाता है, फिर वो शांति से खेलता है, सोता है। और उसके जितने भी सरल क्रियाएँ हैं बालक की, वो सरल क्रियाओं इस अवस्था में आती हैं, है ना। फिर प्रमुख वृत्ति क्रिया क्या है, इसमें जो है आपका 1 माह से 4 माह, 1 month से लेके 4 months के भीतर जो क्रिया बालक करता है, जो प्रतिक्रिया वो करता है, जो अनुक्रिया वो दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, प्रमुख वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है, शब्दों को जो है, ध्वनियों को पहचानने लगता है, उनमें क्या करने लगता है, अंतर करने लगता है। फिर आता है गौण वृत्ति क्रियाओं का अवस्था। गौण वृत्ति मतलब, गौण मतलब कम, प्रमुख मतलब ज़्यादा और गौण मतलब कम। जब किसी चीज़ को आप ज़्यादा विशेषता देते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि उसकी प्रमुखता है, उस चीज़ की क्या है, प्रमुखता है। और गौण क्या हुआ, उसके निम्न का। जैसे कोई कमेटी आप अरेंज करिए तो आप किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं इस कमेटी के ये क्या है, मुख्य हैं, और बाकी जो वहाँ पर सदस्य और लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये लोग गौण हैं। मतलब किसकी प्रमुखता है, जो मुख्य है उसी को क्या कहते हैं, प्रमुख। और जो क्रियाएं बालक जो है 4 माह के भीतर करता है और जो उनकी प्रमुख होती हैं क्रियाएं, प्रमुख क्रियाओं में क्या करता है बालक, ध्वनियों को पहचानने लगता है, स्पर्श पहचानने लगता है, गंध पहचानने लगता है। इस अवस्था में कब से, 1 माह से 4 माह की अवस्था में, और ये उसके जो है बालक की प्रमुख क्रियाओं के अंतर्गत आने लगती हैं। अभी तक बालक को जब भूख लगती थी तब रोता था, प्रकाश पड़ने पे जो है क्रिया करता था, अनुक्रिया करता था, प्रकाश नहीं होता था तब उसके लिए रोता था, अब वो उसकी सरल क्रियाएं थी। अब इस अवस्था में आने के बाद बालक क्या करता है, विभेदीकरण, थोड़ा उसे अंतर होने लगता है माँ के स्पर्श में और बालकों के अलग सदस्यों के स्पर्श में, और माँ की ध्वनि में अलग लोगों के ध्वनि में क्या होने लगता है, उसको अंतर समझ में आने लगता है। माँ की गोद में जाने के बाद बच्चा चुप हो जाता है
और दूसरों की गोदी में जाने के बाद रोने लगता है। ये सारी अवस्थाएं 0 से 2 ईयर्स की हैं। ये जो है एक ही अवस्था संवेदी पेशी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये इसमें क्या बताया गया है कि माह माह विभाजन करके बताया गया है कि इतने माह का बच्चा जो है कैसा कार्य करता है, कैसी अनुक्रिया जो है वो दर्शाता है। तीसरा में है आपका गौर प्रवृत्ति क्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या, ये किस ईयर का है, 4 से 8 माह का है, सॉरी ईयर नहीं, 4 से 8 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग इसी क्रियाओं से, जो आपकी क्रियाएं क्या है, गंध है, स्पर्श है, ध्वनि है। अब क्या करता है बालक, अभी तो स्पर्श करता था, पहचानता था, अब क्या बहुत सारी चीजें छूने लगता है। देखते हैं ना, 4 से 8 माह का माह के बच्चे को आप लिए हैं तो अगल बगल की वस्तुओं को क्या करने लगता है, स्वयं छूने लगता है, स्वयं स्पर्श करने लगता है, और फिर ध्वनि सुनने लगता है। और ध्वनि तो बहुत पहले से ही वो सुन रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। अभी तक तो वो पहचान रहा था, लेकिन अब इस अवस्था में आने के बाद वो अभिव्यक्त भी कर रहा है। पानी चाहिए तो मम कह रहा है, माँ के पास जाना है तो माँ कह रहा है, बहुत सारे शब्दों का वो प्रयोग करने लगता है, उसकी मानसिक शक्ति का थोड़ा विकास होने लगता है। इतना समझ में आया, जो उसकी प्रमुख वृत्ति क्रियाएं थी उनमें और ज़्यादा क्या हो गया, परिचालिता आने लगी और वो ज़्यादा थोड़ा सा विस्तार हो गया। अभी तक वो गंध, स्पर्श और ध्वनि को क्या समझता था, अब क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है। किसके द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, है ना, समझ में बात आई। कि अभी तक बालक जो है प्रमुख वृत्ति क्रियाओं में क्या करता था, ध्वनि, गंध और स्पर्श को समझता था, उसका अनुक्रिया नहीं करता था। बहुत सारे बालक, बहुत बुद्धिमान बालक भी इस समय जो है पैदा हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत जल्दी अनुक्रिया करने लगते हैं। 4 से 6 माह की अवस्था में क्या बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, पूछे पंखा कहाँ है तो इशारा करने लगते हैं, बेड कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो ये 4-5 की अवस्था में आते आते, माह के आते आते वो बहुत सारी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, एक बहुत ही सामान्य बालक की बारे में बताया जा रहा है, जो जिसके हर कार्य जो है क्या है, एक समान गति से चल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मंद बालक भी हो जाते हैं जिनको कुछ ना प्रेगनेंसी के दौरान या फिर गर्भावस्था में उनको कोई ना कोई पोषण की कमी या फिर किसी चीज़ की कमी की वजह से क्या उनका मानसिक विकास या शारीरिक विकास रुक जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अनियमित हो जाती हैं। कि 8 मंथ हो गए, 10 मंथ हो गए, अभी बालक एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, किसी के ध्वनियों में अंतर नहीं कर पा रहा है, कौन माँ की ध्वनि है, कौन अलग लोगों की ध्वनि है, बहुत सारे समस्यात्मक बालक अलग हैं। ये सामान्य बालक की मानसिक चेतनाओं का विभाजीकरण किया गया है, है ना। और आपका स्केमेटा एक चीज़ है, स्कीनर ने एक शब्द स्कीमा का यूज़ किया हुआ है, सॉरी जीन पियाजे ने, स्कीमा, और ये क्या है आपका सिंगुलर शब्द है, मतलब एक वचन है स्कीमा। इसका द्विवचन यानी बहुवचन स्कीमेटा है। स्कीमेटा क्या है, एक मानसिक संरचना है जिसमें बालक बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उसका सूचनाओं का और ज्ञान का क्या संगठन ही जो बालक के दिमाग में होता है, मानसिक संरचना में होता है, वही क्या होता है, स्कीमा होता है। और उसका प्रयोग जो है बालक विभिन्न चीज़ों को जानने में प्रयोग करता है। ये शब्द जो है जीन पियाजे ने यूज़ किया है, स्कीमा। अब देखिए स्कीमा में दो प्रकार की, जैसे आपको बताया क्रियाओं में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक सरल और एक जटिल, तो ये जो स्कीमा का प्रयोग है बालक दो प्रकार से करता है। एक किस प्रकार से करता है, सरल और एक जटिल। देखिए सरल क्रियाओं के समझने के लिए एग्जांपल आप लीजिए कि छोटा बालक है, आप उसको गाड़ी दे दीजिए, कोई छोटी वाली जो खिलौना आता है उसको दे दीजिए, तो उसकी संरचना देख के बालक क्या करेगा, उसके बारे में जो चिंतन करेगा, उसके बारे में जो अवधारणा बनाएगा, उसके बारे में उसकी जो अवधारणा होगी और जो वो सूचनाएँ वो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, सरल सूचनाएँ या सरल स्कीमा कहलाएगा। और अभी बालक जो है सोच रहा है, थोड़ा बड़ा बालक, कि आकाश में कितने पिंड हैं, जहाज कहाँ उड़ रही है,
तो ये सारी क्या है, जटिल समस्याएं हैं। और जो समस्याओं के समाधान के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। स्कीम ये एक प्रकार से आपके क्या है, सिंबॉलिक चीज़ें हैं, पैटर्न ऑफ सिंबल। बहुत सारे चिन्हों का क्या है, ये एक प्रकार क्रमात्मक पैटर्न है। इसमें बालक जो है इन चीज़ों का यूज़ करके, जैसे बहुत आप बालक को बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं तो उनका प्रयोग करके वो नए ज्ञान की तरफ अग्रसर होगा, है ना। अब जैसे मशीन के बारे में आपने बताया, शरल मशीन या देख रहा है पहिया है, छोटे जो खिलौने का है, गाड़ी है आपने दिया है वो देख रहा है पहिया है, इधर ड्राइवर बैठा है, सीट है, तो ये सारी उसकी क्या है, उसकी मानसिक स्थिति को बता रहा है कि बालक कितना सोच रहा है, कितना चिंतन कर रहा है ना। और उसी चिंतन को, उसी अवधान को जो मानसिकता में, जो दिमाग में वो ग्रहण करता है और अगली सूचना को ग्रहण करने के लिए उसका प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है, सिंबल, प्रतिमान या फिर स्कीमा कहलाता है। स्कीमा क्या होता है, मानसिक संरचना है, एक ऐसी संरचना है जिसमें बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। और वो सूचनाएं किसके काम आती हैं, नए ज्ञान को सीखने के काम आती हैं। इनका प्रयोग करके बालक नए ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है ना। स्कीमा आप समझ रहे हैं क्या है, स्कीमा एक क्या है, सिंबल है, एक प्रतीक है या बहुत सारे ज्ञान का क्या है, संगठन है, छोटे छोटे ज्ञान का संगठन है जिसके द्वारा वो नई चीज़ों को, नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो प्रेरित होता है ना। ये शब्द जो है जीन पियाजे ने दिया है, इसका जो है मूल शब्द क्या है, स्कीमा है, और उसका बहुवचन क्या है, स्कीमेटा है। अभी पूछता है स्कीमेटा की अवस्था क्या होती है, आपके सी टेट में या टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या बताएंगे, संवेदी पेशी अवस्था में। और देखिए अगला ये है आपके स्कीमेटा, क्रियाओं का अवस्था। इसमें जो है बालक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ये अवस्था कब से कब तक होती है, 8 से 12, है ना, ये आपकी अवस्था 8 से 12 तक होती है। और तृतीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था आपकी 12 से 18, और ये आपकी मानसिक संयोग से नए खोज की अवस्था आपकी होती है 18 से 24। इसमें क्या होता है, तृतीय क्रियाओं की अवस्था, इसमें बालक बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, अपनी मानसिक चेतना का उसमें विकास होने लगता है और अपने दिमाग का वो प्रयोग करने लगता है, बहुत सारी चीज़ों को देख के जो है, उनको छूना, उनसे जो है क्या करता है, अपना संप्रत्यय का विकास करने लगता है ना। अभी तक जो चीज़ें वो सुनता था अब उसको क्या करता है, देखता है, अवलोकन करता है और अपने दिमाग में क्या करता है, अवधारणा बनाता है। जैसे अभी तक वो ग्लास का पानी सुन रहा था, अब इस स्थिति में आके बालक क्या करता है, ग्लास को देखता है, उसके बारे में अवधारणा बनाता है। और जब भी आप ग्लास का नाम लेंगे तो उसके दिमाग में क्या एक चित्र बन जाएगा कि हाँ ग्लास ऐसा होता है ना। अब उसका क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया, संप्रत्यय बन गया। और यही इसी अवस्था का विकास करके वो आता है मानसिक संयोग से नई खोज की अवस्था। नई खोज की अवस्था मतलब अब वो नए ज्ञान के लिए अग्रसर होता है, अब उसमें नए ज्ञान के प्रति संप्रत्यय का विकास होने लगता है और इसी विकास के साथ उसके मानसिक विकास की शुरुआत होती है। अब यहाँ से उसकी चेतना जो है एक नया रूप धारण करती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछें। फाइव वाला तृतीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, ये देखिए आपका प्रमुख था, उसमें थोड़ा विस्तार आया तो क्या आया, आपको गौर आया। जब गौर आया तो उसके दिमाग में क्या बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित होने लगी, बहुत सारी माँ है सारी चीजें। आपको 2 वर्ष के अंदर ही ले जाना है तो आप इसे जो साल में नहीं ले जाएंगे, ये भी आपका माँ है, ये भी माँ है, ये भी माँ है, ये भी माँ है, और 18 से 24 माँ, ये आपको, ये तो बाउंड है ना आपका,
संवेदी पेशी जो आपकी अवस्था है 0 से 2 वर्ष के अंदर की अवस्था है। इसमें जो पहली अवस्था है आपका 30 दिन की अवस्था है। इसे 30 दिन की अवस्था को आपको पढ़ाया गया था, नियोनेट और पार्चुनेट कहते हैं कि नहीं। इसी संवेदी पेशी अवस्था को अलग अलग हरलॉक ने, रॉस ने शैशवावस्था का नाम दिया हुआ है। पढ़े हैं ना आप लोग, शैशवावस्था में क्या करता है बालक, कितने वर्ष का होता है? देखिए अलग अलग लोगों ने 0 से 5, 0 से 6, 0 से 3, 0 से 2 वर्ष की अवस्थाओं को शैशवावस्था माना है। उसमें क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है। और इसमें भी जीन पियाजे ने भी बताया, जैसे जैसे उनका मानसिक विकास होता है शारीरिक विकास भी उसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बताया मानसिक विकास का वर्गीकरण किया है तो सिर्फ मानसिक ही विकास होगा, इसमें उनका शारीरिक विकास भी सम्मिलित रहेगा। अब बालक का मानसिक विकास बढ़ रहा है तो शारीरिक भी विकास होगा, है ना। मानसिकता उसकी बढ़ रही है तो शरीर का भार, लंबाई और हर चीज़ें बढ़ेंगी। आपने पूछा तृतीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। इसमें देखिए प्रमुख क्या हो गया, वो अब संवेदनाएं प्रकट करने लगा, उसको अभिव्यक्त करने लगा, और उसमें जो उसका और विस्तृत रूप आया वो क्या कहलाए, गौड़ वृत्ति क्रियाएँ। इस अवस्था में बालक जो है शब्दों का प्रयोग करने लगा, और जब जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी वो क्या करने लगता है, मांग करने लगता है। फिर इसके मेटा उसके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं, संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है, वो सूचनाओं को इकट्ठा करने लगता है। सूचनाओं का कहने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी सूचनाएं, अभी वो क्या, अभी चीज़ें कॉन्सेप्ट, क्या धरती है, क्या आकाश है, ये अभी उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। अभी उसका जो परिवार ही उसका क्या है, संसार है। उसकी माँ, उसके माँ का गोद, उसके पिता का गोद ही उसका क्या है, संसार है। उसकी दैनिक नीड क्या है, भोजन, सांस लेना, ये सारी जो उसकी दैनिक क्रियाएं, उनसे जुड़ी जो उनसे थोड़ी सी जो उसका परिवार है उसमें जो है उसकी क्रिया करना क्या है, उसकी स्किमिटा क्रियाओं की अवस्था में आता है। उसके जो है स्कीम का जो निर्माण होता है वो इस अवस्था में होता है 8 से 12 वर्ष की अवस्था में। फिर आपका तृतीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, इसमें क्या होता है, बालक क्रियाशील होने लगता है, क्या थोड़ा सा चलने लगता है। इसमें क्या, बालक खड़ा होने लगता है, चलने लगता है और बोलने भी लगते। बहुत सारे बालक जो है एक सेंटेंस बोलने लगते, छोटे सेंटेंस, जैसे मुझे पानी दो, अच्छा ही न चाहिए, ये तो आप बाद में सिखाएंगे, यही आपके व्यवहार में आप उसके परिवर्तन कराएंगे। पहले क्या बोलेगा बालक, पानी दो, एक दो शब्द बोलेगा खाना दो, या मम्मी को भी क्या बोलता है कभी, अगर घर में सब लोग मम्मी को नाम लेके बुला रहे हैं तो मम्मी को बुलाएगा, मम्मी का नाम रीता है तो कहेगा रीता ले लो या रीता दे दो, तो ऐसी चीज़ें वो करता है। तो ये जो उसके तृतीय वृत्ति क्रियाएं की अवस्था है इसमें वो बहुत क्रियाशील हो जाता है, बहुत सारे उसके कार्य दिखने लगते हैं और वो क्या करने लगता है, थोड़ा सा उसके मानसिक चेतना का विकास हो जाता है, वो उसके समझ का विकास होता है। फिर इसमें क्या करता है, अब वो नई खोज करने लगता है। नई खोज से मतलब किसी मटेरियल का, किसी दबे हुए चीज़ों का खोज नहीं, अभी तो वो उसकी दुनिया क्या है, बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। उसका परिवार ही उसकी क्या है, पूरा संसार है। तो इसमें वो नई खोज कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ों जो अभी वो देखा नहीं हो, जैसे बहुत सारे शब्द, एक्सरसाइज नहीं सुन रहा है और रिमोट नहीं देख रहा है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो उसको जानकारी मिल रही है वो क्या है, उसके लिए एक नए खोज की अवस्था है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, मानसिक संयोग से नए खोज की अवस्था। ये आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इनके अंदर से, है ना। दूसरा आपका क्या है, ये इसमें समझ में आया, स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है, एक मानसिक अवधारणा है, मानसिक संरचना है जिसमें अवधारणाओं का विकास होता है, जिसमें अवधारणाओं अवधारणाओं को विकसित किया जाता है या विकास होता है, अवधारणाओं का विकास होता है। क्लियर, ये क्या है, एक प्रकार की मानसिक संरचना है, क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है,
जिसमें बालक बहुत सी सूचनाओं को एकत्रित करता है, नए सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए वो इसका प्रयोग करता है ना। अभी जो है क्या, अभी ये सिंबल सीख रहा है, लेकिन जब बालक किशोरावस्था में आता है, जब एकदम परिपक्व उसका मानसिक स्तर जो है क्या होता है, एकदम परिपक्व हो जाता है, वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो इन्हीं प्रतीकों का, प्रतीक सिंबल, इन्हीं सिंबल का प्रयोग करके वो चीज़ों को क्या यथार्थ रूप देता है। वो चीज़ें जो उसको दिखाई नहीं देती, जो क्या होती है, अमूर्त होती हैं, उनके विषय में भी क्या करता है, चिंतन करता है। इसीलिए जो किशोरावस्था को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक अवस्था। ये सीटेट में क्वेश्चन आया था, प्रतीकात्मक अवस्था। जिसमें बालक प्रतीक का जो है यूज करके, प्रतीक का प्रयोग करके वो क्या करता है, क्या किशोरावस्था को, कंफ्यूज मत होइए, अभी मुझे याद आया, तुरंत बता दिया मैंने, वैसे इसे क्या है, किशोरावस्था, प्रतीकात्मक अवस्था। प्रतीक जैसे अब बालक जो है किशोरावस्था में आ गया, अब प्रतीक मतलब सिंबल, अब आपने AL का सिंबल दे दिया, AL क्या हो गया, एलमोनियम। अब बच्चा जो है सिंबल से बता दिया ये क्या है, एलमोनियम, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम क्लियर है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, अब परिपक्व हो चुकी है, वो बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ चिन्हों से बता सकता है कि ये चीज़ क्या है। अब देखिए बालक अब इतना बड़ा हो गया है, आप उसे जो है ऐसे चिन्ह बना दीजिए, छोटा बालक समझेगा ये किसका एरो है, लेकिन जो किशोरावस्था में बालक है वो तुरंत समझ जाएगा क्या, टर्न राइट, है ना। तो ये सारे जो सिंबलों से जो है वो ज्ञान का पता लगा लेता है या रास्ते का पता लगा लेता है, यही सब क्या होती है, मानसिक जो है, यही मानसिक विकास होता है कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन कर लेता है जो उसे दिखाई नहीं देती। मान लीजिए आप देखते हैं कि बहुत सारे, अब इस समय बारात का सीजन चल रहा है, तो बहुत दूर अगर किसी का घर है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर मोड़ पे किसी को खड़ा किया जाए, तो लोग क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, या तो चूने द्वारा या तो पेंट द्वारा किसी चीज़ के द्वारा वो क्या करते हैं, सिंबल जो है लगा देते हैं। इसका प्रयोग बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसका प्रयोग जो है बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे जो मानसिक रूप से परिपक्व हैं या स्वस्थ हैं, वो क्या करेंगे, इन सिंबलों को रीड करते करते कहाँ कहाँ टर्न होना है, तो ये क्या चीज़ें हैं, आप ज्ञात से किधर जा रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपकी जो है किशोरावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आप क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, नए ज्ञान का खोज करते हैं, नए संकल्पनाओं का सृजन करते हैं। इसमें जो है यही जो है आपका सिंबल हुआ, आप प्रतीक का यूज करके उसके विषय में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, किस अवस्था में, किशोरावस्था में। अब देखिए दूसरी अवस्था आपकी क्या है, ये इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाया जाएगा, आप लोग घर पे जाइएगा, कंफ्यूज होइएगा तो फिर से पूछिएगा, पढ़िएगा एक बार उसको। दूसरी अवस्था आपकी क्या है, इस अवस्था को भी दो अवस्थाओं में बांटा गया है, क्या है आपका, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और अंतः प्रत्यात्मक अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, 4 से 7 वर्ष, और ये आपकी अवस्था होती है
जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया क्या होता है? संक्रिया क्या होता है? बताइए, सोच के बताइए, संक्रिया मतलब क्या होता है? अच्छा बताइए, मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा किसी समस्या समाधान के लिए जो चिंतन किया गया है वही क्या कहलाता है? मानसिक संक्रिया कहलाता है। लिख लीजिए, बालक द्वारा किसी समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन ही मानसिक संक्रिया कहलाती है। क्या है? किसी समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन ही मानसिक संक्रिया कहलाती है। ये बालक ही नहीं, ये मनुष्य भी करते हैं, है ना? हम आप सब करते हैं। कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न हो जाती है तो आप उसके विषय में क्या करते हैं? गहन चिंतन करते हैं। या तो आप अकेले बंद कमरे में उसके बारे में सोचते हैं, या फिर एकांत में जाके कहीं खुले आसमान में सोचते हैं। लेकिन उसके बारे में क्या करते हैं? पूर्व चिंतन करते हैं। उसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, और इसका अगर इस तरीके से करते तो इसका परिणाम क्या होगा। तो आप क्या करते हैं? जो पूर्व अनुमान लगाते हैं, पूर्व चिंतन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? मानसिक संक्रिया। और संक्रिया क्या होती है? किसी भी क्रिया के साथ जो आपका प्रेरणा होता है वही क्या कहलाती है? संक्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप में उत्साह होता है वही क्या कहलाती है? संक्रिया, है ना? इसमें देखिए आप, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक क्या करता है? बोलना शुरू कर देता है, नई नई चीज़ों को क्या करता है? नई नई चीज़ें सीखता है, अनुकरण सीखता है, अनुसरण सीखता है, और क्या करता है? कॉपी करता है। किसकी कॉपी करता है? माता पिता की, बड़ों की, जो इसके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी कॉपी करता है। और उसमें क्या नैतिकता की कमी होती है? विशेषता तो आप लोग पढ़े ही हैं, जो बाल्यावस्था की विशेषता है वो भी इसी की विशेषता है। इसमें क्या बाल्यावस्था किसने बताया? हरलॉग ने बताया, रॉस ने बताया, और इन्होंने जो है मानसिकता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो इन्होंने किसको प्रमुखता दी है? मानसिक स्तर को। इन्होंने जो है मानसिक स्तर को प्रमुखता दी है। इन्होंने जो विभाजन किया है अवस्थाओं का वो किसके हिसाब से किया है? मानसिक स्तर को देखते हुए। और उन्होंने ये बताया कि बालक जब इस अवस्था में आता है तो बहुत सारी जो है क्रियाएं करता है। क्रियाएं करने का मतलब उसके मानसिकता थोड़ा सा बढ़ जाता है। हर लोगों ने यही चीज़ बताया है कि बालक क्या करता है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि आती है और बहुत सारे कार्यों को वो करना शुरू करता है। इसमें यह बालक अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, कॉपी करता है, और बहुत सारे बल बनाना शुरू करता है इसी अवस्था में। अभी आप लोग बहुत सारे जब भाषा शैली का विकास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बालक बल बलाता है, दोहराता है, फिर इसका क्या करता, पढ़ता है, ऐसे बहुत सारे आपके स्किल्स का बताया जाएगा। और इस अवस्था में बताइए इसकी विशेषता कुछ आप लोग याद है कि नहीं? आप लोगों को पूर्व प्रत्यात्मक की नहीं बताइए,
आप बताइए बाल्यावस्था की विशेषता, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता बताइए। इस अवस्था में तो समूह नहीं बताता बालक, ये तो पूर्व पूर्व समूह अवस्था है। अहम केंद्रित तो इसमें होता ही नहीं, वो तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। हम केंद्रता की अवस्था ईगो सेंट्री। अब पढ़ के आइए आप लोग, पिछला आप लोगों को भूल जा रहा है। इसमें बालक क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों का सृजन करता है। बहुत सारी चीज़ों में मतलब क्या, बोलना चलना खाना पीना इन सब चीज़ क्रियाओं को वो क्या करता है, स्पष्ट रूप से करता है। अभी तक जो है क्या था, अस्पष्ट था, अब क्या है उसमें स्पष्टता दिखने लगती है। और जब वो थोड़ा सा अंतर प्रत्यात्मक अवस्था में आता है तो उसमें क्या आने लगती है, गहनता या व्यापकता आने लगती है उसके कार्यों में, उसके कार्यशैली में क्या होने लगता है, विस्तार हो जाता है। और जब 0 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व स्कूल अवस्था कहते हैं ना, प्री स्कूल एज। इसमें बालक बहुत सारी चीज़ें सीखने लगता है, जैसे क ख ग घ, उसके मानसिक शक्ति का विकास होने लगता है। तो वो 1 से 10 तक, 1 से 100 तक, पहाड़ा गिनती, बहुत सारी चीज़ें वो इस अवस्था में सीख लेता है ना। इसमें क्या होता है, वो पूरी तरीके से उसकी जो प्रणाली होती है वो क्या होती है, रटन प्रणाली होती है। जो चीज़ें आप उसको बताते हैं वो क्या करता है, उसका सीधा अनुकरण कर लेता है। जैसे आपने किया उसका क्या, डायरेक्ट कॉपी कर लेता है। यहाँ पे वो अपने चिंतन का प्रयोग नहीं करता, वो अपने मानसिकता का प्रयोग नहीं करता। आप जैसे उसको बताते हैं वो क्या करता है, उस चीज़ को एज इट इज़ लिख लेता है या रट लेता है। अगर आपने बता दिया कि पृथ्वी गोल है, ऐसा एग्जाम्पल मैंने बताया पृथ्वी गोल है, तो उस पर वो चिंता नहीं करेगा बिल्कुल। वो मान लेगा कि हमारे जो बड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या है, सत्य है ना। इसी अवस्था में आप बालक को बताते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। नैतिकता का अभाव इस अवस्था में होता है, लेकिन विकास भी का यहीं से शुरू होता है। आप इसको बताते हैं ना बालक को कि ऐसे नहीं बोलना है आपको, बड़ों से ऐसे बात करनी है, आपको ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ये सारी चीज़ें आप। और बालक बहुत जल्दी मान जाता है, क्यों, क्योंकि वो जानता है जो हमारे बड़े बता रहे हैं वो क्या है, सत्य है। उसमें उसका कोई विरोध नहीं होता। वो अलग बात है जो शरारती बच्चे होते हैं वो मानते नहीं, मानते इसलिए नहीं क्योंकि वो इस चीज़ पे सोचते नहीं, ये नहीं सोचते कि ये गलत बोल रहे हैं। वो अपनी शरारत में इतने लिप्त होते हैं, वो अपने कार्यों में इतने जो है लिप्त होते हैं कि वो ये नहीं देखते कि क्या कह रही हैं, है ना। लेकिन अगर आप बालक को शांति से बैठा के कहते हैं, अगर पूछते हैं कि आपने जो किया सही था कि गलत, तो बालक खुद ही कहेगा कि ये चीज़ें गलत थी, है ना। इतनी बात समझ में आई। आप देखिए अगली आपकी अवस्था है, मूर्त या ठोस। ये क्या आपका 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है किसी चीज को देख के उसके बारे में उसकी क्या करता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, अवधारणा बनाता है या संप्रत्यय बनाता है। जैसे वो जिन चीज़ों को देखता है बस उसी के विषय में वो सोच पाता है। इस अवस्था में आने के बालक विभेदीकरण जानता है। क्रमशीलता जानता है। क्रमशीलता मतलब किसी भी चीज़ को क्या क्रम से रखने के लिए, इसमें इतनी चेतना आ जाती है कि वो चीज़ों में अंतर करने लगता है। किन चीज़ों में, जो सामने हो, जो ठोस हो, जो मूर्त हो। जैसे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिनको आप स्पर्श कर ले रहे हैं, वो क्या है, आपकी मूर्त चीज़ें हैं, या वो क्या है, आपका ठोस है। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठोस का विशेषता क्या होता है, आप उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या स्थान घेरती है, ये सारी इसकी क्या है, विशेषता है। तो बालक भी
उन चीज़ों को इस अवस्था में उन चीज़ों के बारे में सोचता है, देखता है, अध्ययन करता है, जानकारी लेता है जो उसके सामने है, है ना। अब जैसे आप उसको बताते हैं कि क्या है, ये ट्रायंगल है, इसकी मानसिक चेतना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो जो है कि किसी अंतर जब कर रहा है बड़ी छोटी में तो वो ये बता लेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी वो बहुत सारे नियम को भी क्या रट के सीख चुका होता है। अब जैसे ट्रायंगल का नियम है, आपका तीन कोणों का योग क्या है 180 है, तो बालक इसके बारे में क्या इसकी जानकारी रखता है कि 180 है, लेकिन ये क्या कर सकता है, इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, इसे इसका प्रूफ नहीं दे सकता कि ये 180 कैसे हैं। इसके लिए वो किस अवस्था में जाएगा, जब उसका मानसिक विकास होगा और वो क्या अमूर्त अवस्था में जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। औपचारिक अमूर्त मतलब जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, है ना, ये स्थिति सबसे जो है श्रेष्ठ स्थिति होती है और ये समस्या समाधान की स्थिति होती है, है ना। बालक इसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ लेता है। इस अवस्था में आने के बाद बालक जो है बहुत ही कल्पनाएं करने लगता है और इस स्थिति को, इस अवस्था को क्या कहते हैं, कल्पनाओं की अवस्था। आपका टेट में क्वेश्चन भी आया था कि कल्पनाओं की अवस्था कौन सी है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका 11 से 15 या 11 से above मानते हैं। बालक इस अवस्था में आने के बाद बहुत सी परिकल्पनाएं करने लगता है, जो उसी जिन चीज जो चीजें उसे नहीं दिखाई देती उसके विषय में भी वो क्या चिंतन करने लगता है। और एक बात मैंने आपको बताया था, प्रतीक, इसमें वो क्या प्रतीकों का प्रयोग करके वो नए ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या फिर आप अगर किसी चीज का प्रतीक दे देंगे तो बालक उसके विषय में आपको ज्ञान दे सकता है। जैसे आप उसको प्रतीक दे दिए कि CO2, जी बिल्कुल, यही जो है आपका किशोरावस्था आता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन किशोरावस्था में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 11 से 15 न होके किसे, किशोरा आपका 13 से 21 वर्ष होता है, 13 से 21 वर्ष होता है। और स्टेनले हॉल ने इसे जो है 24 से 25 वर्ष बताया है, इसी अवस्था को 13 से 24 से 25 वर्ष बताया है। रॉस ने इस अवस्था को कितना बताया है, 12 से 18 वर्ष बताया है। अलग अलग लोगों ने इसी अवस्था को अलग अलग वर्षों में क्या किया, विभाजित किया हुआ है। तो देखिए, अगर आप बालक को बताते हैं इस अवस्था में, औपचारिक स्थिति में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक है, अगर आप उसको CO2 का सिंबल देते हैं तो वो बता देगा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एनवायरनमेंट में इसकी जो है एटमॉस्फेयर में इसका क्या है, इसकी सांद्रता कितना है, 0.03% है। बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में वो बता लेगा। क्यों, कभी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने देखा है नहीं ना, उसके बारे में उसने क्या किया, एनालिसिस किया है उसके बारे में, उसका उसने विश्लेषण किया है, लेकिन इसके बाद ही वो इन चीज़ों के बारे में चिंतन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसके पास उसके बारे में अवधारणा है या संप्रत्यय है। क्लियर, कि जो चीज़ें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके विषय में भी आप उसको उसके बारे में सोच सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या किस अवस्था में आती हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। क्लियर, बस ठीक है, चलिए।